नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष 2022 आप लोगों के लिए शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और नई नई उपलब्धियों को गढ़ते रहें, बुनते रहें, यही कामना है। लेकिन जरा नज़र करें 2021 पे, जो वर्ष बीता है, कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत पे क्या प्रभाव पड़ा। बिहार की राजनीति में 2021 ने कई रंग दिखाए, कहीं स्याह रंग तो कहीं दागदार धब्बा, कहीं नरम नरम तो कहीं गरम गरम। सियासत में तो लगा ही रहता है, लेकिन इस बार 2021 में बिहार की राजनीति में कुछ मर्यादाएं ऐसी टूटी जो बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए काले पन्ने के रूप में गिना जाए। 23 मार्च 2021, दिन मंगलवार। लेकिन यह दिन विधानसभा के इतिहास में काले पन्ने के रूप में लिखा गया है। क्या हुआ था जाने? हुआ यह था कि विधानसभा में बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक आने वाली थी, जो सरकार लाना चाहती थी, और इसका डटकर विरोध विपक्षी दल कर रहे थे। इसको लेकर कई बार विधानसभा को स्थगित किया गया था, फिर पुनः चालू किया जाता था, पुनः फिर जो विपक्षी दल थे वो हंगामा शुरू कर दे रहे थे। इसी बीच राजद ने विधानसभा का घेराव किया, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप भी थे। गांधी मैदान से चलकर ये लोग जब पटना के डाकबंगला चौराहा पर पहुँचे, तो खैर पुलिस तो तेजस्वी और तेज प्रताप को अपने हिरासत में ले ली, फिर उनको गांधी मैदान थाने ले गई और वहाँ से फिर छोड़ दी। लेकिन इस हंगामे में हुआ ये कि चौथी बार विधानसभा का की बैठक स्थगित करने के बाद जब शुरू होने वाला था, तो विपक्षी दल के लोगों ने, विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, यहाँ तक कि विधानसभा के स्पीकर को बंदी बना लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस आती है और पुलिस के आने के बाद धक्का मुक्की शुरू हुआ। बाद में पुलिस सख्त हो गई और विधायकों के साथ जबरदस्त पिटाई की गई, यहाँ तक कि महिला विधायकों के साथ भी धक्का मुक्की का वाकया हुआ। और यह इतिहास में पहली बार बिहार विधानसभा में हुआ था जो एक दागदार पन्ना बनकर इतिहास में लिखा जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना थी और वो थी चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव 3 वर्ष बाद जेल से निकले थे और बिहार आए थे। हुआ यूं था कि 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली, लेकिन 12 दिन बाद 29 अप्रैल को वो जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद चूंकि उनका एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको गहन देखभाल की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपनी पुत्री जो सांसद राज्यसभा की हैं, डॉक्टर मीसा भारती, के यहाँ दिल्ली में रुके और वहीं उनका इलाज भी चलता रहा। उसके बाद वो 24 अक्टूबर को पटना आए। पटना आने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ और एक बार जैसे लगा जैसे राजद के नशों में फिर गर्म खून दौड़ने लगा हो। बड़ा उत्साह था, लोग मिलना चाह रहे थे। इसी बीच लालू यादव बजाबता कुशेश्वर स्थान और जो उपचुनाव हो रहा था वहाँ चुनाव प्रचार में भी गए, लेकिन उनके जेल से बेल पर रिहा होने, दिल्ली प्रवास और दिल्ली से पटना आने के बीच जो पारिवारिक कलह हुआ वो अलग था। तेज प्रताप यादव ने एक अलग सुर पकड़ा था, उनके बयान ने पूरे गहमा गहमी पैदा कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि लालू जी को रोक लिया गया है, कैद कर लिया गया है, तमाम तरह की बातें आईं और पूरा बवाल बना रहा।
वहीं लालू जी जब पटना पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के जो प्रभारी बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनको भक्त चोनहर कह दिया। और ये भक्त चोनहर का बयान पूरे बवाल का कारण बना और विवादों में रहा। वहीं तेज प्रताप यादव एक अलग सुर में नजर आए। वो लगातार राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन पे हमलावर रहे और तमाम तरह की बातें हुई। यहाँ तक कि लगा कि एक बार तो यूँ लगा कि राजद टूट जाएगा। और जगदा बाबू को कई तरह से उन्होंने एक तरह से कहें कि अपमानित करने का भी प्रयास किया, कई तरह के बयान दिए, अनर्गल बयान दिए गए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह भी शांत हो गया। 2021 की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी थी कि 28 नवंबर 2020 को रामविलास पासवान ने जो बंगला बनाया था वो ढह गया, टूट गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो जमुई सांसद भी हैं, ने उनके देहांत के बाद पार्टी का कमान संभाला। लेकिन 2020 का जो चुनाव था, उस चुनाव में थे तो वो एनडीए के साथ, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उनका जो रणनीति था, उन्होंने एकदम आमने सामने जदयू का विरोध किया, जिसके चलते जदयू को बहुत घाटा भी हुआ। इसको लेकर जो लोजपा के, लोज जनशक्ति पार्टी के अन्य लोग थे, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, इस नीति का विरोध कर रहे थे। और यही कारण था कि रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कमान अपने हाथों में संभाल लिया और 5 सांसदों के साथ बागी होकर उन्होंने स्वतः लोक जनशक्ति पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिया। उनके चचेरे भाई प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, बीना देवी, चंदन सिंह, ये सारे एक गुट में थे। और उन लोगों ने विरोध किया चिराग पासवान का। और चिराग पासवान, जो अपने को मोदी जी का हनुमान कहते थे, वो देखते रह गए, विरोध करते रह गए, कई तरह के बयान आए। बावजूद इसके पशुपति पारस सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। मामला और भी भड़का, एक दूसरे पर छींटाकशी बयानबाजी होती रही। इसी बीच मामला चुनाव आयोग चला गया और चुनाव आयोग ने क्या किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बगला को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए दोनों को अलग अलग नाम दे दिया और अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया। पशुपति कुमार पारस को लोक, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम मिला और सिलाई मशीन उनका चुनाव चिन्ह हुआ। वहीं चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से पार्टी, उनका उनके पार्टी को मान्यता मिली और हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह हो गया। और साथ ही रामविलास पासवान ने जो एक सपना देखा था, जो एक बंगला बनाया था, लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, वो टूट गया। 2021 की एक और बड़ी घटना थी और वो घटना ये थी कि जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था 30 अक्टूबर को उपचुनाव, उसमें जदयू की जीत हुई थी। जबकि अमूमन जो देखा जा रहा था, जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, जो विधानसभा चुनाव में राजद और तेजस्वी उभर कर सामने आए थे, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि निश्चित रूप से इस चुनाव में राजद की जीत होगी या कम से कम एक सीट तो राजद लेगा ही लेगा। कहीं ना कहीं जदयू भी इसको लेकर सशंकित था। लेकिन हुआ क्या कि महागठबंधन के फूट ने जदयू को लाभ दिया। लाभ ये हुआ कि अब देखिए ना कि कांग्रेस और राजद दोनों महागठबंधन में, लेकिन उस चुनाव में दोनों आमने सामने ही एक तरह से नजर आए। इधर से कन्हैया थे तो उधर से तेजस्वी थे। और ये इस टसल में कहीं ना कहीं इसी के कारण लालू जी को भी
दिल्ली से वापस आना पड़ा था। लेकिन बावजूद राजा धार गई और ये दोनों सीट आपसी जो इन लोगों की रंजिश थी इसका लाभ जदयू को मिला और जदयू इस दोनों सीट पर जीत गया। हुआ ये था कि कोरोना में दो विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी और शशिभूषण हजारी का देहांत हो गया था और उसी के चलते ये दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान खाली हुआ था, जिस पर 30 सितंबर को चुनाव उपचुनाव हुआ था जिस दोनों में जदयू की जीत हुई थी। यह भी एक सियासत की बड़ी घटना मानी जाएगी। वहीं 2021 में कांग्रेस के लिए भी एक बड़े उथल पुथल का समय आया, या ये कहा गया कि कांग्रेस अब नए पीढ़ी के हाथों में जा रहा है, और वो तब हुआ जब JNU के छात्र नेता जो वामपंथी दल से जुड़े हुए थे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कन्हैया कुमार ने अपनी राजनीति तो शुरू की थी वाम दल से, और वाम दल से ही वो गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे बेगूसराय बिहार से, लेकिन 28 सितंबर को वह कांग्रेस में शामिल हो गए। और आने के बाद जो पहला उन्होंने बयान दिया था वो ये दिया था कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। इस बात को लेकर पूरी तरह बवाल हुआ था, भाजपा और अन्य दलों ने निशाना साधा था कि मतलब कि कन्हैया का ये कहना है कि कांग्रेस समाप्त हो गया है इसलिए कांग्रेस को बचाना होगा तभी देश बचेगा, तमाम तरह की बातें आई थी, एक बड़ा सा बवाल हुआ था। लेकिन कन्हैया ने एक ही बात कही थी कि भारत में वैचारिक जो आंदोलन है उसको कोई नेतृत्व दे सकता है तो वो केवल कांग्रेस ही दे सकता है। 2021 में बिहार की राजनीति में, बिहार के विधानसभा में एक और इसको कहेंगे काला पन्ना जुड़ा, और वो था AIMIM के विधायकों द्वारा शीतकालीन सत्र के शुरू और बाद में जब राष्ट्रगान होता है उसमें शामिल नहीं होना और राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देना। 3 दिसंबर को जब शीतकालीन समाप्त हो रहा था सत्र तब राष्ट्रगान से इसकी समापन होनी थी, और IMIM के विधायक जो हैं उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था राष्ट्रगान गाने से, और यहाँ तक कि उसके जो एक विधायक हैं अख्तरुल ईमान ने तो स्पष्ट कहा कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, चिन्हित नहीं है जिसके चलते ये गाना गाया जाए। जबकि भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि ये जो AIMIM के जो विधायक हैं ये तालिबानी बुद्धि के मानसिकता के लोग हैं, और इसके बाद भी एक बड़ा बवेला मचा था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी, जो ये AIMIM के विधायक हैं उनके बयानों से बवाल मचता रहा और राजनीतिक उथल पुथल चलती रही जिसमें धर्म कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर नजर आया, या यूं कहें कि धर्म की धुरी पर राजनीति होता नजर आया। 2021 भी राजद के लिए उथल पुथल का समय रहा, चाहे वो घर की बात हो या राजनीति की बात हो या क्षेत्र की बात हो, कहीं भी लेकिन उथल पुथल होता रहा। और अंतिम उथल पुथल तब हुआ जब एकाएक बिना जानकारी के 9 नवंबर को दिल्ली में तेजस्वी ने शादी कर ली। उन्होंने अपने स्कूली फ्रेंड जो उनकी थी रेचल गोडिन्नो से शादी कर ली। शादी करने के बाद ये जानकारी हुई लोगों को, शादी में भी बहुत गिने चुने पारिवारिक लोग ही थे, इसको लेकर फिर बड़ा हंगामा हुआ। ये हुआ कि उन्होंने दूसरे धर्म में जाकर शादी की है, कहीं हुआ कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा के शादी की है, तमाम तरह की बातें चलती रहीं। इसी में मामा और पूर्व सांसद साधु यादव भड़क गए, उनको तो निमंत्रण तक नहीं दिया गया था, उनको तो बुलावा भी नहीं भेजा गया था, इसके बाद वो भी उखड़ गए और उन्होंने अनाप शनाप कई तरह के मामले उठाए जो यहाँ कहा भी नहीं जा सकता है। उन्होंने भांजे भांजियों पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाए, आक्षेप लगाए, जिसको लेकर उनके भांजे तेज प्रताप और भांजी रोहिणी आचार्य ने भी डट कर जवाब दिया, और उस ट्वीट के बाद एक बार
स्थिति विस्फोटक हो गई। घर की लड़ाई सड़कों पर नजर आने लगी और संबंधों के टूटने का और मर्यादाओं के भंग होने का जो दिखाई दिया वो बड़ा विभत्स था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान से बवाल पैदा कर दिया। पटना के में ही एक अपने अनुसूचित जाति के लोगों की एक सभा थी जिसमें बोलते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया सत्यनारायण भगवान की पूजा पर और ब्राह्मणों को गाली दी, अपभ्रंश कहा, जिसके बाद पूरे राजनीति में और पूरे बिहार ही नहीं कहें पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक हंगामा सा मच गया। हर जगह से इसका प्रतिकार होने लगा। इसको लेकर जीतन राम मांझी के ऊपर कई जगह मुकदमे भी दर्ज किए गए। यहाँ तक कि एक भाजपा नेता ने तो घोषणा कर दी कि जो जीतन राम मांझी का जीभ काट कर देगा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसके बाद मामला गर्म हुआ। हालांकि जीतन राम मांझी ने बयान के तुरंत बाद माफ़ी भी मांगी थी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि ये गाली हमने ब्राह्मणों को नहीं दी, अपने ही समाज के लोगों को दी। इसके बाद भी फिर हंगामा हुआ कि आपको अपने समाज के लोगों को गाली देने का अधिकार किसने दिया क्या। बहरहाल जो भी हो, स्थिति माफ़ी पर हुई और फिर बाद में ब्राह्मण भोज भी कराया मांझी जी ने अपने घर पर। लेकिन अनर्गल बयानों के चलते पूरा 2021 कहीं ना कहीं विवादों में, सियासी विवादों में घिरा रहा। 2021 के अंत में जो सबसे बड़ी राजनीतिक खेल, मैं इसको खेल कहता हूँ, शुरू हुआ वो था समाज सुधार अभियान। 22 दिसंबर को मोतिहारी पूर्वी चंपारण से नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। पहले यह समाज सुधार यात्रा था लेकिन बाद में इसकी यात्रा को अभियान का रूप दे दिया गया। इसका नाम रखा गया समाज सुधार, जिस पर शराबबंदी को लेकर, बाल विवाह को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर चर्चाएं होती रहीं और ये चर्चाएं बाद में जो यात्रा के दौरान आम जनों से होना था वो अभियान के दौरान केवल जीविका दीदियों के साथ शुरू हुआ, जिसे इसे पूरी तरह राजनीतिक स्टंट विरोधियों ने बताया, या यूं कहें कि लोगों ने ये कहा कि चूंकि इनका शराबबंदी अभियान पूरी तरह फेल हो गया है इसलिए लोगों को भटकाने के लिए इस तरह का खेल हो रहा है। खैर, शराबबंदी निश्चित रूप से बेहतर है और उसका लाभ आज 1 जनवरी को जब हम यहाँ आपसे बैठकर बात कर रहे हैं दिख रहा है, नहीं तो शराबबंदी के पहले 1 जनवरी को इस तरह नहीं होता था। धुमा चौकड़ी होती थी, सड़कों पर हंगामा होता था, कई जगह झगड़े झंझट होते थे शराब के नशे में, जो अब नहीं हो रहा है। शराबबंदी बेहतर है निश्चित रूप से। तो खैर, यही था 2021 के सियासी हलचल का निचोड़। कुछ घटनाओं को लेकर भी हम आएंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं जो बिहार में घटी और जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से प्रभावित करती हैं। तो बस अब इतना ही। चैनल पर नया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और एक घंटी जैसी आकृति है उसको जरूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और अपनी टिप्पणी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।